हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑल्टर न्यूज के एक और नए वीडियो में एक नए एपिसोड के साथ, जहां पे आज मैं आपसे बात करूंगा एक कार के एक्सटीरियर के बारे में। सो स्टे ट्यून्ड विद द वीडियो। तो दोस्तों, पिछले हफ्ते या पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात किया था मोटरसाइकिल्स के बारे में। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक कार के एक्सटीरियर पार्ट के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो एग्जांपल के तौर पे मैंने ये BMW की M5 E34 जो है वो यहाँ पे एग्जांपल लिया है। आई एम सॉरी कि मैं आपको लाइव कोई कार नहीं दिखा सकता, बिकॉज वहाँ पे थोड़ा ऑडियो और भी सस्ती हो जाती है। अभी भी सस्ती ही है, लेकिन वहाँ पे और थोड़ा सस्ती हो जाएगा, इसके कारण मैं वो वीडियो आपको नहीं दे सकता। तो आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन आगे आपको ये वाला मैं आगे चल के एक लाइव वीडियो आपको दे दूंगा। तो आज मैं आपको एक फोटो के थ्रू आपको समझाऊंगा। सबसे पहले तो यहाँ पे जो मैंने बोला BMW E34 M5 का ये फोटो है। तो सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं, ये आपका फ्रंट व्यू है उस कार की। सबसे पहले तो आप हमारा आंख सबसे पहले उनकी हेडलैम्प्स पे जाता है, तो थोड़ा सा हेडलैम्प्स से नीचे आ जाता है हेडलैम्प्स के। अब जो हेडलैम्प्स के नीचे वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये थोड़ा उभरा हुआ हिस्सा, तो ये जो पार्ट है इसको हम बम्पर या बाउंसर कहते हैं इंग्लिश में। ये जो पार्ट है इसको बम्पर या बाउंसर कहते हैं, जो हेडलैम्प्स के नीचे वाला उभरा हुआ हिस्सा है। फॉर एग्जाम्पल कि आप आज एक आप कार ड्राइव कर रहे हो और आप पूरे जोश में हो और आपको किसी को ठोक के उड़ाने का मन किया, तो आपने उसको ठोक दिया, तो किसी कार को आपने ठोक दिया पीछे से जाके, तो जो सबसे पहला इम्पैक्ट होगा वो इसी बम्पर या बाउंसर पे होता है, उसके बाद किसी और पार्ट में आपका इम्पैक्ट होता है। सॉरी फॉर दैट, लेकिन किसी को ठोक मत देना, नहीं तो वो आप पे केस ठोक देगा। तो अब थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, जहाँ पे आप हेडलैम्प्स के बारे में तो मैंने पहले ही बोल दिया कि ये हेडलैम्प्स है जो आपको दो साइड में तो दिख रहा है। सबसे पहला आंख जहाँ पे जा रहा है वो हेडलैम्प्स ही है, और उसके पास आपको दो ऑरेंज कलर के आपको इंडिकेटर्स दिख जाएंगे। ये आपको इंडिकेट करता है कि आप किस तरफ जाओगे, लेफ्ट या राइट, और हैजार्डस मैंने इमरजेंसी सिचुएशन में ये इंडिकेटर्स चल ऐसे इमरजेंसी लैम्प्स भी काम करते हैं। तो ये जो हेडलैम्प्स हैं, ये आपको रात में आप अंधे गाड़ी ना चलाओ, इसलिए आपको हेडलैम्प्स देखने में आपको मदद करता है रात में आपको क्लियर देखने में। तो अब आते हैं थोड़ा हेडलैम्प्स से थोड़ा बीच की तरफ। बीच में आपको एक ब्लैक कलर का दो डिवीजन आपको दिख रहा होगा, दो ब्लैक कलर के स्क्वायर बॉक्स की तरह आपको दिख रहा होगा, ये है ग्रिल। इसको ग्रिल कहते हैं इंग्लिश में। ये BMW का स्टाइल है कि वो अपने इस ग्रिल को दो पार्ट में डिवाइड करता है। एक्चुअली इसका काम ये होता है कि ये इंजन के अंदर हवा अंदर बाहर कर सके, और हवा के साथ कोई माल मसाला अंदर ना घुस जाए, इसलिए ये ग्रिल दिया जाता है। तो ये BMW का स्टाइल है कि वो इसको दो पार्ट में डिवाइड करता करके रखता है, लेकिन हर किसी का स्टाइल सेम नहीं होता, हर कार में आपको डिफरेंट टाइप के मिल जाएंगे। तो ये हो गया ग्रिल का बात। अब इसमें हाँ, बाउंसर में एक चीज मैंने मिस कर दिया, जो था एक व्हाइट कलर का बोर्ड आपको दिख रहा होगा, ये है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट। जब आप कार खरीदते हैं तो आपका जो कार है वो एक स्पेसिफिक नंबर पर रजिस्टर्ड होती है, तो वो नंबर आपके इस प्लेट पे लिखा हुआ रहता है, तो इसको हम कहते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट। तो अब हेडलैम्प्स भी हो गया। अब थोड़ा ऊपर चलते हैं, हेडलैम्प्स से ऊपर जो पार्ट आपको दिख रहा है ये एक्चुअली आपको टॉप व्यू, जो मैंने यहाँ पे ब्लू प्रिंट दिखा रहा हूँ उसमें जो टॉप व्यू आपको दिख रहा है ये जो पार्ट है, ये आपका जो है एक ये इसको पार्ट को बोनेट कहते हैं या हुड कहते हैं। इसके नीचे आपका इंजन स्टोर होता है, बेसिकली इंजन को ये हुड कवर करता है, कवर करके रखता है। यहाँ पे आपका इंजन रहता है, कार का इंजन कंपार्टमेंट है ये। इसको जो इसका जो ऊपरी हिस्सा है उसे हम हुड या फिर बोनेट कहते हैं। बोनेट के बीच में आपको एक छोटा सा डिजाइन दिख रहा होगा, गोल सा बीच में पूरा आपको छोटा सा दिख रहा होगा, वो है BMW का लोगो। और ये चीज ये लोगो हर कार में होता है, उस कार के ब्रांड का जो लोगो है वो सामने होता है, सामने बीच में रहता है कार के, वो वहां पे कार का जो ब्रांड लोगो है वो आपको कार के फ्रंट में मिडिल में दिख जाएगा। तो अब थोड़ा आगे चलते हैं, हुड का बात हो गया, थोड़ा और आगे चलते हैं। ये जो आप जो बड़ा सा कांच देख रहे हैं, इसे हम फ्रंट विंडशील्ड या सिर्फ विंडशील्ड कहते हैं, आपके सामने से जो हवा आ रही है उसको रोकता है, और हवा के साथ जितने भी माल मसाला वो कार के अंदर ना घुस जाए उसके लिए ये जो विंडशील्ड है उसको रोकने का काम करता है। और विंडशील्ड पे आपको दो डंडी दिख रहा होगा, तो ये जो डंडी है नॉर्मल डंडी है, इसको वाइपर्स कहते हैं, जो बारिश के टाइम आपके कांच पे पानी ना रुके, इसलिए वो पानी हटाने का काम ये वाइपर्स करते हैं। तो लेकिन हाँ, ये विंडशील्ड के बारे में एक बात बताना चाहूंगा कि ये जो विंडशील्ड है ये कांच का जरूर है, लेकिन ये विंडशील्ड एक स्पेशल तरीके से बनाया जाता है, जिसके कारण अगर गॉड फॉरबिड अगर आपको कहीं पे एक्सीडेंट हुआ, तो अगर आपके कांच पे इम्पैक्ट लगा, ये जो विंडशील्ड पे कोई कांच इम्पैक्ट हुआ, तो ये कांच जो है वो पूरा टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है, एकदम छोटे छोटे बारीक
तरीके से टूट जाता है, जिसके कारण ये लंबा लंबा नहीं बचता है और आपके बॉडी के किसी पार्ट को ये कांच का कोई भी टुकड़ा हार्म नहीं करता है, क्योंकि ये पूरी तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाते हैं। तो अब ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ये है साइड व्यू जहाँ पे आपको टू डोर मिल जाता है। ये राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों में दो दो डोर्स होते हैं, जहाँ पे सामने वाला आपको फ्रंट ड्राइवर और पैसेंजर के लिए और पीछे दो पैसेंजर्स के लिए। यहाँ पे आपको दो चक्री दिख रहे होंगे ब्लैक 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 कलर के, और उसमें रिंग्स लगे हुए हैं तो उसे हम व्हील्स कहते हैं, चार पहिए लगे हुए हैं। तो अब चलते हैं पीछे। पीछे में जो ये जो आपको कांच दिख रहा है वो है रियर विंडशील्ड, रियर विंडशील्ड इसे कहा जाता है या रियर ग्लास कहा जाता है। तो उसके नीचे आ जाता है ये जो आपको टॉप व्यू दिख रहा है फिर से पीछे की ओर, ये होता है बैक हुड, रियर हुड कह सकते हैं या फिर इसको हैच भी कह सकते हैं, जहाँ पे बेसिकली ये आपका लगेज स्टोर करने में यूज होता है। आप यहाँ पे सामान रखते हैं अपने कोई भी कार में। तो अब यहाँ पे जो ये एक्चुअली ये जो पार्ट है ना, इसको हम टेल पार्ट कहते हैं या टेल व्यू कहते हैं। जो भी आप टेल पार्ट है, एक होता है हेड पार्ट, एक होता है टेल पार्ट। जैसे सिक्के में हेड टेल होता है, उसी तरह कार में आपको हेड पार्ट टेल पार्ट। इसमें भी आपके जो सामने के लैंप्स है उसे हम हेड लैंप्स कहते हैं, और पीछे जो लैंप्स है उसे हम टेल लैंप्स कहते हैं, ना कि बैक लाइट या रियर लाइट, ऐसा नहीं, टेल लैंप्स कहते हैं उसे। टेल लैंप्स में आपको मिल जाएगा यहाँ पे हेड लैंप्स, जो कि हेड लैंप्स के साथ चलता है। हेड लैम्प्स जब आप ऑन करोगे तो हेड लैम्प्स भी चलेगा, जिसके कारण रात में अगर आपके सामने जो गाड़ी चल रही है उसके हेड लैम्प्स से आप पता लगा सकते हैं हाँ वो एक कार जा रही है या रुका हुआ है। तो यहाँ पे एक ब्रेक लैंप्स भी होता है। ब्रेक लैंप बेसिकली वही रेड लैंप्स ही होता है, लेकिन ब्रेक दबाने से वो रेड लैंप्स थोड़ा एनहांस होकर इंटेंसिटी उसका बढ़ जाता है, इस कारण पता चलता है कि कार रुकने वाली है या वो ब्रेक लगा रहा है। यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स भी मिल जाते हैं आगे पीछे दोनों, और यहाँ पे एक आपको व्हाइट कलर की लाइट लैंप भी मिलती है। ये एक्चुअली इंडिकेट करता है जब कार पीछे आ रही हो, जब पीछे आ रहा है, जब रिवर्स गियर में कार को डाला जाता है तब ये लाइट जलती है, जिससे पता चलता है कि हाँ कार पीछे आ रही है। और इसमें आपको एक बीच में फिर से एक व्हाइट बोर्ड दिख जाएगा, जो कि वही रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट है आगे पीछे दोनों में लगता है। बीच में आपको एक डिजाइन मिल जा रहा है जो कि है ब्रांड लोगो आगे पीछे दोनों। तो अब नीचे आ जाते हैं, ये भी वही रियर बम्पर या बाउंसर मिल जाता है। और एक चीज मैंने मिस कर दिया, जो पूरा सर के ऊपर आपका है वो होता है रूफ, हर गाड़ी में होता है और किसी किसी का खुल भी जाता है, जो मैं कंफर्टेबल्स में बताया था। और एक और चीज जो आपका दो साइड में आपको दो पंखों की तरह दिख रहा है, ये है आपको विंग मिरर और साइड रियर व्यू मिरर बोलते हैं इसे। तो ये हो गया आपका पूरा एक एक्सटीरियर पार्ट। मैंने आप ये कार इसलिए चूज किया क्योंकि इसमें हर चीज को एक अच्छे से इसमें आप देख पाएंगे इसमें कि हर चीज को कैसे डिफाइन किया गया है, और कोई मॉडर्न कार लेने से उसमें थोड़ा सा पहचानने में दिक्कत हो सकता है, इसलिए मैंने इस कार को चूज किया है। हालांकि इसके नए मॉडल्स भी अवेलेबल है BMW में। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा कि एक्चुअली में एक्सटीरियर में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। मैंने आपको बेसिकली सब समझा दिया है, यही सब पार्ट ही आपको मॉडर्न कार्स में मिल जाएगा। हालांकि थोड़े से डिफरेंस हो सकते हैं, मतलब कि सामान कैसे लगे हुए हैं अलग चीज अलग बात है, वो थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन बेसिक जो चीज है वो मैंने आपको सब बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहें, सुरक्षित रहें, और जैसे कि रोज कहता हूँ, देखते हैं ऑल्टरनेटिव्स। जय हिंद।